Acha. I'm Shlok. And I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. तो हाय, हम लोग ने कुछ दिनों पहले सुना क्या वो लम्हे सुना हमने एंड देन नहीं बोल दो नहीं बोल दो एंड देन हमें पता चला कि नाम क्या है. आदत भी है जल का. सो लेट्स चेक इट आउट. और हम वो चेकआउट करने जा रहे थे उतने में, तो जब हमने वो वीडियो एक्सप्लोर किया था काफी सारे कमेंट्स आए थे जिसके अंदर हमें काफी सारी स्टोरीज बताई गई कि ठीक है कैसे वो आतिफ ने गाया था एंड एवरीथिंग. हमें सब पता चला एंड काफी लोगों ने कहा कि ये एक और सॉन्ग है विच इज अ मास्टरपीस एंड इट इज बाय गौहर. तो हमने गौहर का सिर्फ एक ही गाना अभी तक देखा है, राइट? दिल हारे देखा है. एंड दिस इज द सेकंड वाज. तो इट इज गुड, मतलब अच्छा लग रहा है. हम गौहर के काफी सारे गाने एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो अगेन दिस इज अनदर सॉन्ग ऑफ गौहर एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉन्ग्स. ओ बावरे, आदत इंस्ट्रूमेंटल एंड बावरे. वो तो ये तो मैंने अभी नोटिस किया यार. वही मैं आज तक इसका आदत समझ रही थी. ओके गाइस, लेट्स आदत इंस्ट्रूमेंटल बावरे फीट गौहर मुमताज नेस्ट कफे बेसमेंट सीजन 5. हाय, नेस्ट कफे बेसमेंट देखने में बड़ा मजा आने वाला है. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. Nescafe Basement Season 5. Jagna to padega. Thank you.
किस्मत की लकीर हाथों में दिखता था वो प्यार तेरी ही आदत कुछ पड़ सी गई चाहत का ऐसा था खुमार नींद न आए रातों में क्यों बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू इस चीज के लिए बना है कि आप आंख बंद करो वो शिट मैंने बीच में जब जब आईज बंद की है मैं एक अलग जगह पर थी मैं लिटरली एक अलग जगह पर थी इतना यार कितने तरह के तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए कितने तरह गिटार इलेक्ट्रिक गिटार फिर क्या नहीं यूज हुआ है वायलिन वगैरह हम नहीं जानते हैं बट ओ माय गॉड ओके देयर वाज अ मैंडोलिन
गॉड बहुत चीजें थी. ओके सारंगी सब कुछ था इसमें. ओह माय गॉड यार ये पता लाउड म्यूजिक ईयरफोन्स में अटैच करके बस बैठे रहो किधर आग बंद. एग्जैक्टली यार मन ही मन में पता है वो गाना चलता रहता है मेरे मुंह पे भी थोड़ा बहुत आना था. तो आदत सी सच में यार इंस्ट्रूमेंट कितना क्लियर एंड क्रिस्प हम लोग ने एग्जीक्यूट किया एंड कहीं पे एक लाइन बोलने का मौका नहीं दिया. मतलब उन्होंने पूरा गाइड किया है थ्रू इंस्ट्रूमेंट. क्या ये लाइन नहीं है मेरी तो लाइन बहुत मिस्टेक होती है. मतलब सो क्लियर बेस्ट पार्ट वॉज वो लाइक एक ही इंस्ट्रूमेंट को बहुत कंटिन्यूसली नहीं यूज किया था. कोई एक सेगमेंट में ये है कोई फिर उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट पे फोकस है कभी ये इस पे फोकस है. ओ माय गॉड तो इसका फील कुछ और ही था. आप एक इंस्ट्रूमेंट से ऐसे बस उसके साथ खो जाओ उससे पहले आपको एक और अलग इंस्ट्रूमेंट और फिर आप उसमें ऐसे यू नो ऐसे डूब रहते हो. एंड ऑलरेडी लाइक instrumentals are so peaceful yeah. And this सच्च, is मैं lyrics की जरूरत नहीं है. lyrics की दम भी जरूरत नहीं है ऐसे instrumentals. And बावरे हमने song सुना नहीं but wow वो चार lyrics भी इतने कौन सा है बावरे जो उन्होंने आगे speech में कहा था. हर जगह है जल उधर भी लिखा है बावरे हर जगह है जल. Is it the same like बावरे and हर जगह है जल ये दोनों. क्योंकि बावरे बहुत ही love song लग रहा है. एंड हर जगह जल काफी उनके बैंड के लिए अबाउट देमसेल्व्स. यस सो इट इज रिटन आल्सो कंपोज्ड एंड रिटन बाय गौहर मुमताज. इतना हमें पता चला कमेंट सेक्शन से भी कि गौहर मुमताज अमेजिंग कंपोजर है. बिकॉज आदत वो लम्बे हम अभी तक जानते नहीं है गौहर मुमताज को. ऑफकोर्स बहुत ज्यादा डेप्थ बट लाइक वी नो ये दो सॉन्ग उन्होंने किए कम्पोज तो इट्स अ मास्टरपीस यार. ये गाने क्लासिक है. ये गानों को आज भी हम उतने ही सही से गा सकते हैं उतने ही सही से सब याद है वो पूरे फील्स लाइक मैंने पता स्टार्ट हुआ था. आई वाज लाइक फील्स तो मैंने तीन बार गाया था बिकॉज द ट्यून इटसेल्फ. मतलब आदत हम आज भी सुनते हैं हमें उतनी गूज़बम्स आएंगे हमें उतनी मेमोरीज. यार ये सब एवरग्रीन सॉन्ग्स है पता है कभी पुराने नहीं होते बस छपे हुए हैं तो यार कितना मजा आ रहा था. गॉड Oh my God. मन करा अभी वो गाना बजा के बैठ जाए. मतलब यू नो इट इज सो एक तो वो गाना हमारे दिमाग में एक अलग जगह है उस गाने के लिए. एंड उसी गाने पे आप अगर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे देखो तो इट इज लाइक इतने सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इतने सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब मुझे सिर्फ यही लग रहा है लाइक यू नो कुछ मोमेंट्स में ऑनेस्टली ये इतना पीसफुल लग रहा था कि आई डोंट नो ये सेंस करेगा नहीं आप लोगों को बट फॉर मी मेरी आंखें भर रही थी क्योंकि बीच बीच में इतना पीसफुल लग रहा था. आई डोंट नो वो मैं कैसे समझाऊं. मुझे बीच बीच में ऐसे आईज बंद करने का मन थी मैं कर रही थी और मेरे को मन कर रहा था मैं पूरे देर करूं क्योंकि ओ शिट हर एक इंस्ट्रूमेंट देखते रहते हो आप विजुअल्स देखते हो तो क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट जाते हो थोड़े से कि नो अरे अलग इंस्ट्रूमेंट अरे ये अरे वो. बट व्हेन यू हियर इट विदाउट ओपनिंग योर आईज वो एक अलग दिल में जगह ले लेता है वो चीज. एंड हर इंस्ट्रूमेंट इतना प्यारा. मतलब आई लव द पार्ट जब एंडिंग में वो लड़की अपने जिस चेयर पे बैठी थी उसको बजा रही थी क्लैप बॉक्स. ओ क्लैप बॉक्स है तो कितना मतलब इतना अच्छे से एक एक इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया. और यार वो तो इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत पसंद आ गया. आई नो जो अपन स्टार्टिंग से ही हाँ स्टार्टिंग से उसका नाम पूछे बट कोई नहीं बता रहा. नहीं बताया बताया अलग है रुबाब अलग था शायद ये हो सकता है रुबाबों के. नहीं बट एक और कोई नाम बताया था. गाइस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अब नाम बता दे तो भी क्योंकि देखा नहीं है ये वाला टाइप. मतलब नॉलेज नहीं है वो रुबाब ही था. सॉरी रुबाब था. यस इट वाज रुबाब वजाहत शाह. बट इट वाज सो गुड. मतलब दिखने में कितना फैसिनेटिंग है यार वो चीज. मतलब देखो इट्स लाइक वाओ. मतलब इससे तो अच्छी आवाज आनी ही ऐसा लग रहा था. यार बिना सुने पता चल जाता है भाई ये तो मेरी सुर वाला है. लोग वो इतने कामली कितने स्ट्रिंग्स है उस इंस्ट्रूमेंट में. किसी ने बताया था कि उसमें शायद चार फिक्स स्ट्रिंग्स है 9 एडजस्टेबल और समथिंग उन्होंने बताया था. माय गॉड उतने स्ट्रिंग्स को इतने कामली हैंडल कर रहे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सितार आदत पे सुनूंगी. बस पूछा भी नहीं था. इतना प्यारा इतना ज्यादा सितार पे पता है वो तो पूरी ट्यून बजा दी थी उन्होंने. मतलब ऐसे आई वाज लाइक बाकियों की जरूरत क्या अगर वो एक सर सब बज रहा है. लेकिन सोचो इतने लोग. मतलब मैं पता है बीच में खो रही थी कि इतने लोगों की मेहनत है. यही पता है वहां पे उन लोग को ऑनेस्टली वो पता नहीं मेहनत लग भी रही होगी ना क्योंकि वो सब म्यूजिशियंस. इमेजिन उनके लिए क्या वो पता है. दूसरे जो एक विजुअल आता है ना सब ऐसा म्यूजिशियंस खड़े ऐसा लग रहा है भाई अब तो आग लगने वाली है.
बहुत सही वाइब होती है भाई. इतने सारे म्यूजिशियंस मिलके जब कुछ क्रिएट करो और इंस्ट्रूमेंटल, इट्स लाइक दे ऑल आर जस्ट प्लेइंग एंड जस्ट एंजॉयिंग. ओह वाओ, मतलब हाय वो ऑरा कभी फील करना है वहाँ पे प्रेजेंट होके कि क्या चल रहा है वहाँ पे, हम लोग पागल हो जाएंगे. इट वुड बी सो स्पेशल. माय गॉड शिट, लाइक इंस्ट्रूमेंटल सुने में बहुत टाइम हो गया था मुझे कोई भी गाने का. हाँ यार, एंड ये सुना और बाप रे मतलब एक कामनेस फील हो रहा है, एक मन के अलावा सब शांति से बैठे हैं. यू नो वो लेट इट सिंक इन, वो होता है ना फील कि चलो ठीक है लेट इट सिंक, क्योंकि इट वाज सो पीसफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड यू नो यू फील सो ग्रेट. मतलब स्पेशली मैं सब म्यूजिशियन की बात कर रही हूँ, आप इतने प्रोफेशनल हो एंड आप अपने लेवल के लोगों के साथ जब आप बजा रहे रहोगे कितना, मतलब तो कह रही हूँ वही मैं उसी पॉइंट पे आई हूँ. वो टास्क, एक टास्क हम लोग को दिख रहा है एंड इट्स लाइक ऐसे हैट्स ऑफ वाली चीज की इतना टैलेंट इतना एक्सपीरियंस है, बट वी नो वहाँ पे वो जो हो रहा होगा वो लोग क्या एंजॉय किए होंगे, क्योंकि वो लोग एक चीज क्रिएट कर रहे हैं, इतनी सुंदर चीज क्रिएट कर रहे हैं विदाउट यू नो बहुत कम इसमें वर्ड्स है, बहुत कम वोकल्स है और जो वोकल्स है वो इतने सुंदर थे. It was very beautiful. पुराने गाने हैं तो प्लीज बताओ मुझे, तो पुराने गाने बहुत पसंद है, प्लीज बता दो. बिकॉज यू नो नो मैटर आप कितने भी न्यू गाने सुनो आपके रूट्स हमेशा पुराने एवरग्रीन है एंड सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में एवरग्रीन है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कुछ नहीं. तुम चाहे जितने न्यू वर्जन निकालो उसमें जितने रीमेक्स बना लो सच में अच्छा बन सकता है नो डाउट, बट वो जो है इररिप्लेसेबल. एग्जैक्टली, स्पेशली वो गाने सुनना जो आपने ऑलरेडी सुने हो पहले, उसका क्रेज अलग है. अलग है मतलब आपको पता है, आपको पता है वो गाना कौन सा है तो कितनी खुशी मिलती है मन में. अगर आई एम श्योर अगर हमें आदत नहीं पता होता तो हम आधे गाने में हमें पता ही नहीं चलता कि अरे क्या चल रहा है. इंस्ट्रूमेंटल में एक्चुअली बेटर रहता है जब पता रहे. हाँ ऑफकोर्स किसी को पता नहीं रहेगा वो इंस्ट्रूमेंटल नॉर्मली सुनता भी नहीं होगा. एंड सेकेंड थिंग कौहर मुमताज, यू लुक सो हैंडसम बाय द वे, आई एम बिकमिंग अ फैन ऑफ कंपोजिशन. मतलब इतना, क्योंकि जो आपका सॉन्ग है भावरे, वो हमने इफ इट्स भावरे देन जस्ट करेक्ट अस बिकॉज बावरे हमें लग रहा है वो. सो बावरे जो आपने कंपोज किया उसके से वो चार लिरिक्स भी इतने प्यारे, इतने हाय क्या वो एकदम सही टाइम पे पता है. इनिशियली पूरा वो था, मैं बोला और अचानक से ये वाला उन्होंने बाब ने खत्म किया और तुरंत उन्होंने फिर से उसके लीड्स बजाए थे आदत के. ओ वाओ अमेजिंग. मुझे से लगता है मतलब हमने कितना लेट एक्सप्लोर किया है, बहुत लेट एक्सप्लोर. मतलब ऐसा लग रहा है यार ही शुड बी अमोंग द फर्स्ट एक्चुअली यार, यू नो बिकॉज वो उस टाइम से है, उनका कॉम्पोजिशन इतना ज्यादा अच्छा है. मतलब आई डोंट नो, आई डोंट सी अ रीजन कि हमने इतना लेट क्यों. हमारे पास एक्चुअली जेन्युइनली इनके रिकमेंडेशंस कम आए थे, लेकिन फिर धीरे 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 आने लगे जब हम लोग ने एक दो इन पर किए थे, फिर हम इस पर पहुंचे. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड इन अ व्हाइल, लाइक वन ऑफ द बेस्ट. बट यस ओके, सो वी ऑल्सो वॉन्ट कि आप सब जो भी देख रहे हैं आपके फेवरेट द जल ये बैंड के सॉन्ग्स बताइए, बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट. और आपसे पहले अगर हम पहुंच जाए वो तो बेटर ही होगा. मतलब आपको ऑफकोर्स पता होगा विच वन आर योर फेवरेट्स एंड विच वन आर द बेस्ट, तो आप हमें वो बताइए तो हम उन पे रिएक्शन देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट. मतलब हमें एक्सप्लोर करना है. और उन्होंने जैसे वो बोला हर जगह है जल, अभी हर जगह होगा, अब तो मजा आएगा. तो गाइस हर जगह जल का बहुत अमेजिंग एक ऑरा रहा होगा, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से उन्होंने वो चलाया है कुछ एक बहुत अमेजिंग, क्या सब लोग के जोश आ गया वो लाइन में. वही ओके गाइस, ये नेवर एंडिंग है, क्योंकि ओके लास्ट टाइम गौहर मुमताज अमेजिंग अमेजिंग वर्क फैन एक फैन एंड यू लुक वेरी नाइस. मतलब ओके नहीं कर लो कर लो कर लो ओके, ये गिटार बजाते हुए ना अलग ही चीज हो जाती है. सो यस Thank you so much people for watching this video and do recommend us or BSA videos. ऐसे recommendations देते हैं. Tell us about your favorite chat से. Yes, the main thing. Okay. So thank you. Bye bye. Bye guys. Thank you. Stay safe. Bye bye.